नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों, आप एक महिला की तस्वीर देख पा रहे हैं, नाम है लाछो देवी। और बता दें, करनाल की ही एसपी कॉलोनी की रहने वाली ये महिला, वैसे बता दें मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं। और साथ में आप देख सकते हैं उनके जो पति हैं इस समय हमारे सामने खड़े हुए हैं, जो कि उन्हें ढूंढने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि इनका कहना है कि इनकी पत्नी जो है वो घर से चली जाती हैं, जिसके बाद से इन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। इस समय ये सेक्टर 3233 थाने के पास ही इस समय मौजूद है, जहाँ पर ये शिकायत भी दर्ज करवाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ जानने का प्रयास करते हैं, क्या नाम है आपका और कब आपकी पत्नी चली? मेरा नाम मनोज मोची है जी, और मेरा पत्नी शाम 6 बजे घर से निकल गई जी। अच्छा। वो थोड़ा मानसिक तौर पे थोड़ा कल शाम 6 बजे करीब, ठीक है, हाँ जी। और रात मैंने सारी रात ढूंढने का प्रयास किया जी। अच्छा, हाँ जी, मिले नहीं। फिर मैं यहाँ पे अभी सुबह आया यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जी। ठीक है, हाँ जी। फिर मैं सोचा कि मीडिया के माध्यम से। तो अभी आपकी जो पत्नी है वो मतलब घर से चली गई, क्यों, क्या हो गया कि मतलब दिमागी रूप से ठीक है? हाँ, दिमाग नहीं, दिमाग थोड़ा खराब हो गया, प्रॉब्लम है जी, थोड़े से मतलब परेशान है दिमाग। तो ये मतलब घर से अभी गई हैं, तो रिश्तेदारी वगैरह में कहीं पता? कहीं रिश्तेदारी में सारी जगह हमने पता कर ली जी, हाँ, ये लोकल में ना सब पता, हाँ सारे पता कर लिया। हाँ जी। तो दोस्तों, आपको मैं दोबारा तस्वीर दिखा देता हूं महिला की, आप ध्यान से देखिए। और आप तस्वीर एक बार देख लीजिए महिला की, नाम लाछो देवी है, उम्र 30 वर्ष है, और करनाल की एसपी कॉलोनी की रहने वाली ये महिला, जो कि मूल रूप से बिहार की हैं और यहीं पर अपने पति के साथ ही रहती हैं, क्योंकि दूर से दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए यहां पर आए होते हैं। और ऐसे में बता रहे हैं कल शाम से ये लापता हो गई हैं। और सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनकी पत्नी के बारे में कोई जानकारी लग पाए। अभी फ़िलहाल आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? आप फिलहाल यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से हमें वो घर वाली में अपने परिवार मिल जानी चाहिए जी। कितने लोग हो आप घर के अंदर? घर के अंदर हम तो फैमिली में करीब अभी टोटल हम जो 6 भाई 7 भाई है ना, उसमें 4 भाई यहीं पे रहते हैं, उसका सारा फैमिली यहीं रहता है, इकट्ठे रहते हैं। तो ये घर से कुछ बोलकर नहीं गई? बोलकर नहीं गई, वो बोले कि जाएंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, बस ऐसे इतना बता के गए कि मैं जिस टाइम घर से निकला था ना, मैं कहीं जा, कोई परेशानी थी उन्हें डॉक्टर के पास? परेशानी है तो थोड़ा मानसिक तौर पर रहती, कभी भी बातचीत ठीक करती? बातचीत नहीं, थोड़ा अपने आप ज्यादा बोलती थी। अच्छा, खुद ज्यादा बोलती रहती। क्या डाला हुआ था उन्होंने इससे जब ये निकले? कलर की साड़ी है जी, ग्रे कलर की ब्लाउज है जी, ग्रे कलर की साड़ी और ग्रे कलर की ब्लाउज है, ब्लाउज डाला हुआ है। और पैरों में चप्पल है जी। पैसे लेकर? हाँ, ब्लैक नहीं, पैसे पूसे कुछ नहीं लेके। कोई मोबाइल वगैरह? मोबाइल तो साथ घर में ही छोड़ के गए, मोबाइल भी घर में ही छोड़ के गए। तो आप देख सकते हैं कि घर में ही सब कुछ छोड़कर जो है वो महिला जा चुकी है। बता रहे हैं कि बस पैरों में चप्पल है, ग्रे कलर की साड़ी और ग्रे कलर के ब्लाउज में ये महिला आपको कहीं ना कहीं देख सकते हैं जी। पैर में थोड़ा बहुत चोट भी है उनके। पैर में थोड़ी चोट है, कौन से पैर में? अब ये तो इतना ध्यान नहीं है कौन से पैर में। अच्छा, राइट लेफ्ट में है जी। जी जी, आप भी इनके परिवार से ही हैं? इनके परिवार से। तो आपको कब पता लगा ऐसे? ये तो हमें पता लगा जब हम इनको फोन किए, तो ये कह रहे हैं जो भाभी तेरा गुम हो गया है, तो मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, बस स्टैंड पे हूँ, क्योंकि हम साथ में ही काम करते हैं दोनों इकट्ठे मिलके। आसपास के लोगों ने देखा उनको जाते हुए? आसपास के लोगों भी देखे जाते हुए, देखा था। हाँ जी, तो डॉक्टर के पास जाने के लिए वो बोले जो दवाई लेंगे उसके पास, उसके बाद घर से निकले वो 6 बजे, उसके बाद लापता। तो पहले भी कभी ऐसे जा चुकी हैं घर से? हाँ, एक बार गई हुई जी, पहले भी। हाँ, एक बार पहले। बाकी ये कभी घर से निकलते नहीं थे जी। अच्छा, घर से कभी निकलते नहीं थे, दुकान तक नहीं जाते थे वो सामान ले जाते हैं। अच्छा, दुकान तक भी नहीं कभी? दुकान तक कहीं सामान लेने भी नहीं, सामान भी लाने के लिए हमें जाना पड़ता है। थोड़ा सा दिमाग में उनको, थोड़ा सा दिमाग में हल्का सा कर, दिमाग ही चल रहे हैं। अच्छा, दिमागी रूप से परेशान है? कितने समय से परेशान है दिमाग? ये लगभग 4-5 साल से। 4-5 साल से? शादी को कितना समय? शादी से करीब 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। परिवार में बच्चे भी हैं? बच्चे नहीं है जी। बच्चे नहीं है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो पति है उस महिला का, लाछो देवी का, वो किस तरीके से परेशान है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और मैं आपको तस्वीर आखिरी बार एक बार दिखाना चाहता हूं, आप ध्यान से देख लीजिए लाछो देवी की तस्वीर, जो कि आपको मैं दोबारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से देख लीजिए, अगर कहीं पर भी इस महिला को आप देखें तो इनसे नंबर लेने का प्रयास भी हम करेंगे, और आप सेक्टर 3233 थाने करनाल में भी जानकारी दे सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए अगर कहीं पर महिला दिखती है। 7631-7152। दोबारा बता दीजिए। 7631-7152। इसी नंबर पे बताएं? नंबर पे दिखे तो इसी नंबर पे कॉल करें जी। बिल्कुल इसी नंबर पर बता। सभी से अपील करना चाहेंगे वीडियो को शेयर करें। हमारा प्रयास ये रहता है कि किसी का कोई खो जाए तो वो वापस मिल जाए, क्योंकि लगातार लोग जो है ऐसे ही गायब हो जाते हैं, कोई घर छोड़कर चला जाता है,
तो कभी कोई नाराज़ होकर चला जाता है, तो कभी किसी की दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, ऐसे अनेकों मामले हमारे सामने आते रहते हैं। तो आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।